दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो किस तरह ये लोग सूखे हुए जमीन में खोद के मछलियाँ निकाल रहे हैं। आप सोचे होंगे आखिर ये मछलियाँ सूखे हुए जमीन के नीचे आया कहाँ से। सबसे पहले आपको बता दूँ, जिस मछली को आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसे लांगफिश कहते हैं। वैज्ञानिकों की मानो तो ये मछली करीब 300 मिलियन साल पहले से धरती पर मौजूद है। ये मछली खासकर अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के नदियों में पाई जाती है, लेकिन कई बार तो ये सूखे हुए जमीन में रेंगते हुए मिल जाते हैं। जब ड्राई सीजन में पानी सूखने लगती है तब ये अपने आप को कीचड़ में दफना देती है और अपने चारों तरफ एक लेयर तैयार करती है जो इसे एक लेदर सील की तरह प्रोटेक्ट करता है, साथ ही डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। उस दौरान ये अपने आप को इस तरह ट्रांसफॉर्म कर लेती है जिससे ये मैमल की तरह हवा से सांस ले सकता है। इसी तरह ये एक साल तक बिना पानी के जमीन के नीचे जिंदा रह सकता है और जब बारिश होती है तब ये फिर से दूसरे मछलियों की तरह अपने नॉर्मल लाइफ में लौट जाती है।